दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है प्रिंटर्स को लेके। माय डियर फ्रेंड्स, आज इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे कि प्रिंटर को बेसिकली लोकल कंप्यूटर पे यूजुअल कैसे बना सकते हैं। लोकल कंप्यूटर का मतलब ये हो गया कि एक पर्टिकुलर प्रिंटर है जो आपके कंप्यूटर से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो उस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे उसका ड्राइवर कैसे डालेंगे और उस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे बैठ के प्रिंटिंग की फैसिलिटी कैसे लेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं लोकल प्रिंटर्स की। लोकल प्रिंटर्स के बाद जस्ट हम बात करेंगे शेयर्ड प्रिंटर के बारे में, वो अगली वीडियो डेडिकेटेड है। बट इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में हम सबसे पहले लोकल प्रिंटर को बेसिकली चालू करना सीखेंगे, जिसमें हम ड्राइवर डाल के और प्रिंटिंग वगैरह की फैसिलिटी कैसे ली जा सकती है प्रिंटर के द्वारा, इन विषयों पर बात करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको वेरीफाई करा दूं कि प्रिंटर के जो ऑप्शन आते हैं वो आपको कहां नजर आएंगे। तो सिंपली आपको यहां पे कंट्रोल पैनल ओपन करना होगा। कंट्रोल पैनल में आपको यहां पे हार्डवेयर ऑप्शन नजर आ रहा है, हार्डवेयर पे आप क्लिक करेंगे। हार्डवेयर पे क्लिक करने के बाद यहां पे सारे हार्डवेयर ऑप्शंस नजर आ जाएंगे, जिसमें सबसे ऊपर आ रहा है डिवाइसेज एंड प्रिंटर्स। तो जैसे ही डिवाइसेज एंड प्रिंटर्स पे क्लिक करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने डिवाइसेज और प्रिंटर्स का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ऊपर ऑप्शन नजर आ रहा है डिवाइसेज का। डिवाइसेज में वो पर्टिकुलर हार्डवेयर पेरिफेरल डिवाइसेज यहां पे शो ऑफ हो रही है जो आपके कंप्यूटर से लग के चल रही हैं, इंक्लूडिंग माउस, स्क्रीन, यूएसबी लैन कार्ड, यूनो और यूएसबी कीबोर्ड, और जितने भी ऑलमोस्ट डिवाइसेज यहां पे एक्सटर्नल पेरिफेरल्स जुड़े हुए हैं वो सारे यहां पे शो हो रहे हैं। उसी के जस्ट नीचे प्रिंटर का सेक्शन आ रहा है। प्रिंटर के सेक्शन में तीन अलग अलग प्रिंटर्स यहां पे आपको नजर आ रहे होंगे, बट एक्चुअल में ये प्रिंटर है नहीं। यहां पे कुछ एडिशनल बेसिकली ऑप्शंस आते रहते हैं किसी भी कंप्यूटर में, बट अभी फिलहाल में मेरे इस पर्टिकुलर कंप्यूटर से जो प्रिंटर अटैच होने वाला है वो है कैनन कंपनी का, जिसका सीरीज है LBP 2900 का। ये मेरा प्रिंटर सीरीज है जिसकी केबल भी अभी नहीं लगी हुई है, ठीक है। तो अब मैं आपको वेरीफाई कराता हूं कि यदि आपके कंप्यूटर से प्रिंटर जुड़ा होगा तो वो ऑप्शन कैसे नजर आएगा। तो मैं अभी अपनी यूएसबी केबल इंसर्ट कर रहा हूं, आप यहां पे देखना प्रिंटर सेक्शन में कुछ आपको एडिशनली नजर आएगा। आप देख सकते हैं यहां पे प्रिंटर का एक ऑप्शन उभर के आ गया है जो कि बता रहा है अनस्पेसिफाइड। अनस्पेसिफाइड का मतलब प्रिंटर जुड़ा तो है बट अभी उसका ड्राइवर ना इंस्टॉल होने की वजह से वो अभी प्रिंटर के सेक्शन में जुड़ा नहीं है। मतलब प्रिंटर के सेक्शन में ये ऑप्शन आपको यहां नजर आएगा, और अनस्पेसिफाइड बता रहा है कि हार्डवेयर तो जुड़ा है कंप्यूटर से बट उसका ड्राइवर इंस्टॉल ना होने की वजह से अभी ये फंक्शनल नहीं है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई कि आप कैसे वेरीफाई करोगे कि प्रिंटर आपके कंप्यूटर से जुड़ा है, उसका ड्राइवर इंस्टॉल है नहीं है, इन विषयों पर अभी हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले इस पर्टिकुलर प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं और फिर दोबारा आपको यहां पे आके वेरीफाई कराते हैं कि प्रिंटर इंस्टॉल होने के बाद की क्या सिचुएशन रहती है, ठीक है। तो सिंपली आप मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहां पे मैंने ऑलरेडी ड्राइवर रख रखा है प्रिंटर का जो कि LBP 2900 को डेडिकेटेड है। मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, सिंपली मैं इसमें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूंगा आपके सामने प्रिंटर इंस्टॉलेशन के विजार्ड अपीयर होंगे, उसके बाद कुछ अलग ऑप्शन फॉलो करने पड़ेंगे, देन आफ्टर हम प्रिंटर इंस्टॉल करके फिर उसको यूज करने की कोशिश करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रिंटर बेसिकली मुख्य रूप से यदि आपका इंटरव्यू डेडिकेटेड है प्रिंटर को लेके, तो मेनली आपको तीन अलग अलग ऑप्शन पूछे जा सकते हैं, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आपको रन ऑप्शन पे क्लिक करना है। रन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये प्रिंटर जो कि बेसिकली जिप फॉर्म में है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके आपके सामने फोल्डर के फॉर्म में आ गया है। अब इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, बेसिकली यहाँ पे 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्वियसली आज की डेट में हम यूज कर रहे हैं, तो 64 बिट का जो ड्राइवर है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। यदि आप 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आपको जाके सर्च आउट करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर सीरीज या किसी भी पर्टिकुलर प्रिंटर के सीरीज का 32 बिट का जो ड्राइवर है वो यदि अवेलेबल होगा तो ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं 64 बिट के ऑप्शन पे जाके सेटअप, यहाँ पे आपको सेटअप फाइल नजर आ रही है, सेटअप फाइल पे सिंपली राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। जैसे ही रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ये वेलकम विजार्ड अपीयर होगा। वेलकम विजार्ड में नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे इसका जो टर्म्स कंडीशंस लाइसेंस एग्रीमेंट है वो आपको यहाँ पे शो ऑफ होगा। आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं, अदरवाइज सिंपली आप यस पे क्लिक कर देंगे। और ये कह रहा है कि आपका जो प्रिंटर है वो यूएसबी से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो इंस्टॉल विद यूएसबी कनेक्शन ऑलरेडी मैंने कर रखा है, तो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यस का ऑप्शन आएगा, अगेन यस का ऑप्शन आएगा,
और ये एक आपको बेसिकली थीम के अकॉर्डिंग बता रहा है कि यहाँ पे आपका प्रिंटर ऑलरेडी अटैच्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रिंटर ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, रिस्टार्ट रिक्वायर्ड है। रिस्टार्ट के जस्ट बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, और ये बात करेंगे कि प्रिंटर इंस्टॉल हुआ, उसका जो ऑप्शन आता है वहां पे डिवाइसेज एंड प्रिंटर्स में डिस्प्ले किया नहीं किया, इन विषयों पे हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सिस्टम रिस्टार्ट हो चुका है। सिस्टम रिस्टार्ट होने के बाद अब हम बात करेंगे कि प्रिंटर का बेसिकली ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है, तो उसको वेरीफाई कैसे करना है। आपको वापस आपको दोबारा कंट्रोल पैनल ओपन करना है माय डियर फ्रेंड, जैसे प्रीवियसली हमने किया था, और यहाँ पे हार्डवेयर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डिवाइसेज एंड प्रिंटर्स पे क्लिक करेंगे। डिवाइसेज एंड प्रिंटर्स पे क्लिक करने के बाद माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे पहले तीन ऑप्शंस नजर आते थे, अब यहाँ पे एक और ऑप्शंस आपको एक्स्ट्रा नजर आ रहा होगा जो कि एक्चुअल में आपका प्रिंटर है। आप यहाँ देख सकते हैं प्रिंटर की सीरीज में चार ऑप्शन आ गए हैं, और ये पहला ऑप्शन जो है कैनन LBP 2900, ये पर्टिकुलर प्रिंटर आपका ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, मतलब इस पर्टिकुलर कंप्यूटर से प्रिंटर जुड़ चुका है, और अब ये प्रिंटिंग की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करा सकता है सिस्टम, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो ग्रीन टिक आप देख रहे हैं, ये बता रहा है कि डिफॉल्ट जो प्रिंटिंग है वो इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे सिलेक्टेड है, तो इसको आपको अपने प्रिंटर पे लेना है जो ऑलरेडी एक्चुअल में आपका प्रिंटर है। इस पर राइट क्लिक करके सेट एज डिफॉल्ट प्रिंटर पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन टिक यहां से उठ के यहां आ जाएगा, मतलब अब आप कभी भी प्रिंट देंगे तो बेसिकली प्रिंट की जो कमांड है वो आपके एक्चुअल प्रिंटर की तरफ मूव ऑन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल किया माय डियर फ्रेंड्स, और प्रिंटर को वेरीफाई किया कि इंस्टॉल है नहीं है, आपको कैसे करना है, इन विषयों पर डिस्कस किया। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा प्रिंटिंग का डेमो लेके आपको वेरीफाई करा दें कि एक्चुअल में हमारा जो प्रिंटर है वो पूरी तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने वर्डपैड ओपन किया और यहाँ पे मैंने वेलकम टू आईटी अड्डा, वेलकम टू आईटी अड्डा का एक मैंने छोटा सा प्रिंट आउट के लिए एक ऑप्शन बना दिया है, और बेसिकली इसको हम थोड़ा सा डिजाइंड कर देंगे बोल्ड फॉन्ट में करके, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है तो इसी तरीके से निकलने वाला है। और ये एक डेमो पेज हम यहाँ पे लेके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर पेज तैयार कर दिया है, सिंपली हमें यहाँ पे कंट्रोल पी प्रेस करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो प्रिंटर की प्रॉपर्टीज है वहां बाय डिफॉल्ट आपका कैनन LBP 2900 प्रिंटर ऑलरेडी सेलेक्ट होके आ रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रिंटर्स, नंबर ऑफ पेजेस की संख्या बढ़ा सकते हैं, और तमाम तरीके की प्रिंटर की प्रॉपर्टीज आती है, यहाँ आगे चल के डिस्कस करेंगे इन विषयों पे, बट सिंपली अभी हमें प्रिंट का डेमो लेना है। तो यहाँ पे कैनन LBP 2900 का जो ऑप्शन यहाँ पे शो ऑफ हो रहा है, इसी पे बेसिकली आपका प्रिंट निकलने वाला है। तो जैसे ही सिंपली आप अप्लाई करके प्रिंट का कमांड देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंटिंग की कमांड दी जा चुकी है और प्रिंट निकल रहा है। यहाँ पे पेजेस देख सकते हैं आप, तो आपको आवाज भी आ रही होगी प्रिंटर निकलने की। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो जॉब डन हो चुका है, प्रिंट निकल चुका है, और इसकी जो अभी मैंने ये पर्टिकुलर ऑप्शन है इसका मैं इसके साथ आपको हार्ड कॉपी भी अटैच कर दूंगा, जिससे कि आप 100% हेल्दी हो जाए कि प्रिंट हमारा निकल चुका है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने देखा और इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने सीखा कि बेसिकली यदि हमारे पास कोई प्रिंटर है उसको कंप्यूटर से कैसे जोड़ना है, और जोड़ने के बाद उसका ड्राइवर वेरीफाई करना है, ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है नहीं है, या पहले से कोई पर्टिकुलर कंप्यूटर पे प्रिंटर अटैच है तो आप कैसे वेरीफाई करोगे कि ड्राइवर है नहीं है, आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना है नहीं करना है, इन तमाम विषयों पे डिस्कस किया माय डियर फ्रेंड्स। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स।